Hello guys, welcome to the Best of Flame, where you can find a lots of fun, masti and a limited entertainment. And in this video, हम बात करेंगे कि Phase 3 खत्म होके Avengers 4 में शुरू होने वाला है Phase 4. मतलब कि Avengers 4 के बाद हमारा Phase 4 शुरू हो जाएगा, जिसमें नई कहानियाँ होंगी, नए characters होंगे और MCU के 10 साल के build-up को change करके हम आगे बढ़ जाएंगे Phase 4 की तरफ. तो देखते हैं कौन कौन से एवेंजर्स हमको नए मिलेंगे. आज मैं इसी वीडियो में अपनी ये बात करूंगा. तो बिना वेस्टेज टाइम की चलिए शुरू करते हैं. लेकिन ये सब कैसे होगा, ये हमें एवेंजर्स 4 में दिखाया जाने वाला है. ये पूरी कहानी एवेंजर्स 4 में ही बदलेगी. तो चलिए जानते हैं एक ऐसी फैन थ्योरी जो हमें बताता है कि फेज 4 कैसे हमारे सामने आने वाला है, पुराने हीरोज कैसे पीछे हटेंगे और कैसे नए हीरोज संभालेंगे. और द फैन थ्योरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिट, जहाँ भी वो कहता है कि एवेंजर्स 4 ने पुराने हीरोज जहाँ से एमसीयू ने शुरू किया था वो खुद का सैक्रिफाइस देंगे एंड नए सुपर हीरोज को बचाएंगे, उन्हें रिवाइव करेंगे और इसी तरह वो हमारे सामने से हट जाएंगे एक बहुत बड़ा जेस्टर देते हुए, खुद को सैक्रिफाइस करते हुए. और अब सारा भार होगा नए एवेंजर्स पर, मतलब नए सुपर हीरो पर. और अब वो जिम्मेदारियाँ नए सुपर हीरो के पास होंगी. जैसा कि हम जानते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में 50% की पॉपुलेशन के साथ साथ बहुत सारे सुपर हीरो मारे गए, खास करके नए सुपर हीरो जो कि थैनोस के फिंगर स्नैप का शिकार हुआ. तो अब उसे बदलना है, सबको वापस लेना है और आधे यूनिवर्स को रिवाइव करना है. और अब ये सारी जिम्मेदारी पुराने सुपर हीरोज के कंधे पर है, वही सुपर हीरो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को यहाँ तक लेके आए हैं. लेकिन उनका सफर एवेंजर्स 4 तक ही है, यहीं उनका सफर खत्म हो जाएगा. और एवेंजर्स 4 में हमें खुद को सैक्रिफाइस देते हुए नजर आते हैं. और साथ ही फैन थ्योरी ने ये भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश की ये सैक्रिफाइस कैसे होगा. और इसीलिए एवेंजर्स 4 का शायद से टाइटल होगा द एंड गेम. मेन सुपर हीरो के सैक्रिफाइस में सबसे आगे नाम आता है टोनी स्टार्क का, जो कि शुरुआत करेगा, सबसे आगे वो ही आएगा और कहेगा कि अगर पीटर पार्कर बचाने के लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो खुद खुशी खुशी सैक्रिफाइस कर दे. और देन ऐसा सुनने के बाद रोडी भी सामने आएगा और जैसा टोनी कर रहा है वो भी वैसे ही करना चाहेगा, जिसके वजह से कोई बच सके. देन वो कोई भी अपने किंग को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देने से पीछे नहीं हटे, बल्कि ये उसके लिए गर्व की बात होगी. ये वही वॉरियर्स एंड होगा जो वो खुद के लिए चाहती थी, जिसके बारे में हम उसे पहले कहते हुए सुन चुके हैं. तो अब बात आती है थोर की, जो इन सब में शायद सबसे ज्यादा दुखी, क्योंकि जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो खुद की नजरों में ही फेल हो. आखिरी मौका बचा था थैनोस को हराने का, लेकिन वो उसको हराने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि अगर वो उसको हरा देता तो एवेंजर्स 4 कैसे बनती, नए हीरोज कैसे आते, फेज 4 कैसे शुरू होता. और अब एसगार्ड को बचाने के लिए, एसगार्डियन को बचाने के लिए, पूरी वर्ल्ड की 50% की पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए पीछे नहीं हटेगा. और ऐसे ही शायद कुछ ब्लैक विडो और हल्क के साथ होगा. और देन फिर बारी आएगी स्टीव रॉजर्स की, जो अपना डिसीजन सबसे आखिरी में बताएगा. और ऑब्वियसली वो खुद को सैक्रिफाइस करना ही चाहेगा, क्योंकि दुनिया की 50% की पॉपुलेशन को लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. और इसके साथ में थोड़ी और डिटेल भी प्रेडिक्ट किया गया है कि ये सब कैसे होगा. सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को रिजरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसी ने आगे जाकर ये सब देखा था, क्योंकि वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे क्या होगा और कौन से सुपर हीरोज आगे जाके ऐसी जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि तो उसको वापस लाना जरूरी है. तो सबसे पहले बारी आती है ब्लैक पैंथर की, जो आयरन मैन का रोल प्ले करेगा. तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो आयरन मैन का सूट पहनेगा, उसके पास खुद का नैनो टेक्नोलॉजी सूट है, लेकिन वो एज अ लीडर काम करेगा. उसके बाद बारी आती है फैल्कन की, जो बनेगी अगला वॉर मशीन. देन हमारी कैप्टन मार्वल, हमारी कैप्टन मार्वल ले लेंगी कैप्टन अमेरिका की जगह. सो कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका. तो इस बार एसगार्ड को मिलेगी एक क्वीन, जो होगी वल्करी. उसके बाद स्टार लॉर्ड रिजरेक्ट करेगा गमोरा को, और ऐसा वो उसे स्टोन से बाहर निकाल के करेगा और फिर से अपने एडवेंचरस स्पेस में कंटिन्यू करेगा. इसी तरह स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, जिनके आगे की मूवी आने वाली है, ये श्योरली रिजरेक्ट किए जाएंगे और आगे भी एमसीयू में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. तो जैसा कि हमने बताया, इस थ्योरी में कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी आएंगे और दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का जगह लेंगे और उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे. तो गाइस ये थी वो फैन थ्योरी. आपको फैन थ्योरी कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बताइएगा. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तब तक के लिए मैं कोई नया तो कुछ ढूंढता हूँ आपके लिए लाने के लिए. तब तक के लिए सी फ्लेम मेक समथिंग बर्न. आप देख रहे हैं मिस्टर फ्लेम, मैं अनुभव, कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका.